आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। महाराष्ट्र व पुणे में फंसे श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन आज रीवा पहुंची है। श्रमिकों के आने को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी और चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात किया गया था। 10:30 बजे रास्ते में जांच हुई क्या? हाँ, मेडिकल हुआ था। जाना कहाँ है? जबलपुर। किस तरीके की समस्या आ रही थी वहाँ पे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में भी कोई समस्या नहीं है अभी तक, ऐसा सब फैसिलिटी बहुत अच्छा था वहाँ पर, मेडिकल से वहाँ का पुलिस स्टाफ सब। जब यहाँ पे यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, सब बसेस लगी हुई हैं आने के बाद। क्या करते हैं आप महाराष्ट्र में? मैं वहाँ पर क्वालिटी में जॉब कर रहा था। अब बंद हो गया है क्या कर रहे हैं? अभी कंपनी बंद है, एक दो दिन चालू होता है उसके बाद बंद हो जाता है। प्रॉपर वर्क में योगेश कुमार सिंह। पूना महाराष्ट्र से करीब 1375 मजदूरों को लेकर ट्रेन शुक्रवार की दोपहर रीवा पहुंची। इस दौरान पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मौजूद रहा है। कहां के रहने वाले हैं? कहां रहते थे अभी आप? किस तरीके की समस्याएं आ रही थी वहां पे, कैसे फिर कैसी व्यवस्था की गई है अभी आप लोग? खाना वगैरह का इंतजाम सही था? सही था। अब क्या करेंगे, अब कैसी व्यवस्था है यहाँ से? क्या करते थे आप महाराष्ट्र में? काम करते। किराया वगैरह तो नहीं लगा है? किराया वगैरह तो नहीं लगा। नाम क्या तुम्हारा? बाहर से आए सभी मजदूरों का एक एक करके रेलवे स्टेशन में परीक्षण कराया गया। करीब 2 दर्जन से अधिक बसों की व्यवस्था रेलवे स्टेशन में की गई थी। सभी श्रमिकों को पहले भोजन कराया गया और उसके बाद बसों के माध्यम से उनको घरों के लिए रवाना कर दिया गया। रेलवे स्टेशन में पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा था और बाहर से आए यात्रियों का मेडिकल परीक्षण किया गया। डॉक्टरों की करीब 20 टीमें रेलवे स्टेशन में मौजूद थी जो यात्रियों की जांच कर रही थी। जांच के बाद सभी को भोजन व पानी वितरित किया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर सभी जिलों के लिए अलग अलग बसें खड़ी हुई थी। जिनको पहले से ही प्रशासन ने सैनिटाइज कर रखा था। इन्हीं बसों से लोगों को उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया है। रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। मध्य प्रदेश के खंडवा, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया सहित तमाम जिलों के श्रमिक यहां पहुंचे हैं। मैडम, ये रीवा ट्रेन कितने लोगों को लेके आई, कहाँ से आई? ये उरली पुणे से चल के ट्रेन आई है, उरली पुणे से, और इसमें टोटल 1093 लोग आए हैं, 1093। इनमें से 550 लोग जो हैं वो रीवा के ज़िले के हैं और बाकी अन्य ज़िलों के हैं, जिनके लिए जैसे पिछली बार व्यवस्था की गई थी सेम उसी तरह इस बार भी यहाँ पर उन लोगों को बिठा करके, ग्रुपिंग करके फिर अलग अलग ज़िलों में भेजा जाएगा, और रीवा के जो लोग हैं उनको जनपद वार करके उनके जनपदों में भेजा जाएगा। मैडम, जो यहाँ से बसें जाती हैं उनमें किराया लगता है तो इसमें क्या? नहीं नहीं, यहाँ की बसों में कोई किराया नहीं लगता, ये तो शासन की तरफ से भेजा जा रहा है। बाहर की बसों की शिकायतें आई थी जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरटीओ साहब ने 4 बसें आज जब्त कर ली हैं और एक टेस्लर साहब ने जब्त करवाई है। मतलब यहाँ पे इनकी जांचें होंगी, जब मैं घर निकलूंगा मेडिकल जांच के बाद भेजा जाएगा, मेडिकल जांच करा के भेजा जाएगा यहाँ पे। जी जी, मेडिकल जांच। किस तरीके की मेडिकल जांच हो रही है यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, क्या व्यवस्था है? रेलवे स्टेशन पे टोटल जो बोगी हैं 22 आए हैं, इनके हिसाब से 8 डॉक्टर्स की टीम लगाई गई है, हर 3 बोगी पे एक लोग जाँच कर रहे हैं। इनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, सिम्टम्स पूछे जा रहे हैं, और यदि किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी उनको तो उनको यहीं पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, उनको उनके ज़िले नहीं भेजा जाएगा।